नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पत्नियों को अक्सर एक भूत सवार होता है, एक दो दाव सही पड़ जाते हैं ना केसेस में, झूठे केसेस में, जो वो झूठे केस अपनी पत्नियों पर करती हैं तो उनमें उनको एक गलतफहमी बन जाती है कि अब तो हम हमारे पति के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लगाओ झूठे केस, लगाओ कुछ भी, और इन्हें झूठी कंप्लेंस कर करके, झूठे केसेस कर करके परेशान कर दो, हमारे दाव सही पड़ रहे हैं ना। कई बार क्या होता है कि खुद के खोदे हुए गड्ढे में ही आदमी खुद ही गिरता है। पर इस बात को मैं आगे बढ़ाऊँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अक्सर अगर आपके साथ या आपके परिवारजनों के साथ ऐसा होता है कि पत्नियां झूठे केस लगा रही हैं, झूठी कंप्लेंस कर रही हैं, तो आपको हाथों हाथ रिएक्ट करना चाहिए। कोर्ट इतनी भी गलत तरीके से फैसले नहीं करती है। अगर आप अपनी बात जस्टिफाई कर पाते हैं और कोर्ट को समझा पाते हैं तो कोर्ट आपकी पत्नियों के झूठे किए गए केसेस के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से उनके ऊपर ही एक सॉलिड एक्शन लेती है। आज का जो जजमेंट है वो इसी की बानगी है दोस्तों। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक लीगल एजुकेशन कोर्स जो है वो हम अवेलेबल कराते हैं और आप उससे जुड़ें। उसका रीज़न यह है कि काफ़ी लोग, जैसे हम लोगों ने अपने केसेस, लोग हमारे पास लेकर आए तो हमने उनके केसेस को जब सॉल्व किया है इन कोर्सेज के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रेमेडीज़ मिली हैं, सॉल्यूशंस मिले हैं और वो लोग अपने केसेस में तेज़ी से चल पा रहे हैं। ये सालों नहीं चलते हैं, कुछ महीनों के अंदर ही ये चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं और काफ़ी आसानी से अपने केस से बाहर निकलना उनके लिए मुमकिन हुआ, या काफ़ी लोग इस स्थिति में है कि आज वो अपने केस में मजबूत हैं और उन्हें लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। ये हमारे कोर्सेज की खासियत। तो अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर बात कीजिए मैसेज के थ्रू सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी और फिर उसके बाद आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस वक्त अगर किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि मुझसे बात करने से वो आपकी कानूनी समस्या सॉल्व हो सकती है, तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेने के बाद, वो भी मैसेज के थ्रू ही मिलेगा, आपसे बात क्या करेंगे। कॉल मत कीजिए, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल हम उठाते नहीं हैं जब तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस आया, मैटर ये था चाइल्ड कस्टडी का। चाइल्ड कस्टडी में सूरत ये थी कि पत्नी जो थी उसके पास एक बच्चा था और पति जो है वो एक्स हस्बैंड हो चुका था, यानी कि डाइवोर्स हो चुका था, मगर वो चाइल्ड कस्टडी का केस लड़ रहे थे। उस सूरत में वो चाहते थे कि बच्चा उन्हें मिल जाए और इसी के लिए सुनवाई के लिए अक्सर कोर्ट जाना पड़ता है। जब कोर्ट जाना पड़ता है तो पत्नी साहिबा ने उसका एक एडवांटेज लेने की कोशिश की। अब कई बार क्या होता है कि मॉरल सपोर्ट के लिए कोर्ट में कई लोग टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो कई बार अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को साथ लेके जाते हैं। तो यहाँ जो पति महोदय थे वो अपने साथ अपनी बहन को लेके जाते थे। अब बहन थोड़ी सी डेयरिंग रही होगी शायद, इस वजह से वो अपने साथ लेके जाते थे। और अक्सर मैंने भी अपने केसेस में ऑब्जर्व किया है कि बहन भाइयों का रिलेशनशिप इस वक्त बहुत मजबूत हो जाता है और परिवार साथ खड़ा होता है। तो उस सूरत में वो उनके साथ जाया करती थी और जब वो वहाँ अंदर पहुँची तो इन्होंने क्या किया, उसी सेम केस कोर्ट के अंदर एक केस बहन पे और भाई पे लगा दिया कि इन लोगों ने मुझे कोर्ट के गेट नंबर 2 पे रोका और वहाँ से बच्चा छीनने की कोशिश की और जब मैं नहीं देने लगी तो मुझे 2 चांटे रसीद कर दिए। इसका कोई गवाह नहीं था और इसका कोई सबूत भी नहीं था इस बात का। कोर्ट ने जब इस पूरी बात को समझा और उनसे घुमा फिरा के क्रॉस एग्जामिन भी किया, बावजूद उसके वो इस बात के अलावा कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी, यानी कि कोई सबूत नहीं दे पा रही थी, बस कहा मारा साहब। और ख़ास तौर से इस एलिगेशन को वो उस सपोर्ट सिस्टम को हटाना चाहती थी जो बहन के नाम पे कोर्ट में पति के साथ आता था, यानी कि बहन के ऊपर ज़्यादा उनका ये था कि ये बहन डिटैच हो जाए। सूरत ये बनी, कोर्ट को जब पति पक्ष ने भी अपनी बात समझाई और प्रॉपर्ली कहा कि हम तो इनसे मिले ही नहीं हैं, हम तो इधर से आए ही नहीं हैं, जब सारी चीज़ें समझने के बाद और ये पता लगा कि इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई है और इन्होंने, यहाँ तक कि ऑब्वियस है कि उसके अंदर कोर्ट को कई इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, या तो बच्चे से पूछा होगा या फिर कोई और तरीका, कोर्ट ने ये चीज़ अपने लेवल पर चेक की और पता लगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ जो अक्सर कई घबराए हुए लोग नहीं करते कि अगर उनके साथ उनकी पत्नियां गलत भी कर रही होती हैं या गलत कोई स्थिति बना रही होती हैं और झूठा केस उनके खिलाफ ज़बरदस्ती थोप रही होती हैं, तो उस टाइम वो अपनी गर्दन या तो नीचे कर लेते हैं या डरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जब पूरी तरह से पुरजोर विरोध किया गया तो इसका बेनिफिट ये मिला कि जो झूठी पत्नी थी उस पर कोर्ट ने हाथों हाथ 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया कि तुम झूठा केस करती हो और अपने
पति को या अपनी ननद को फंसाने की कोशिश करती हूँ झूठे केसेस के अंदर, और इस वजह से तुम्हें दंडित किया जाता है 20,000 रुपये जुर्माने से। तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके रिश्तेदार और परिवार जनों का जब गलत तरीके से FIR में नाम लिखा जाता है, DV में नाम लिखा जाता है, तो सिर्फ नाम हटाने के लिए परेशान मत होइए। नाम लगना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो कुछ साबित नहीं कर पाएगी। जब नाम हटता है तो उसके बाद काउंटर अटैक कीजिए और अपने घर वालों की तरफ से केसेस डालिए, जुर्माने लगवाइए, जेल भेजिए। क्योंकि देखिए, झूठा जो इंसान है ना, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। बदलाखोरी कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है बदला लेना किसी से, पर अत्याचार के खिलाफ सर उठाना और उसे खत्म करना इसलिए जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब नहीं हो। आपके साथ जो गलत हुआ उसको आने वाला भविष्य वाकई में तय कर पाएगा कि गलत का विरोध किया जाना चाहिए, अगर आपने गलत का विरोध किया तो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा। काउंटर केसेस ज़रूरी हैं, कीजिए, ज़रूर कीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है आपको कि ये और लोगों के लिए भी लाभदायक हो सकती है, तो दूसरों के लिए भी इसको उपलब्ध कराइए, यानी ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आ रहा है, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मेरे यहाँ पर वीडियो देखने आ रहे हैं और अक्सर आते रहते हैं तब भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कष्ट थोड़ा सा उठा लीजिए। दिल को सुकून मिलता है जब सब्सक्राइबर्स के नंबर्स बढ़ते हैं, तो लगता है हमारी मेहनत आप तक पहुंच पा रही है और सफल है। थैंक यू।